नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में काराकाट सीट की। 2019 में यहां से कौन बनेगा सांसद। 2009 के परिसीमन के बाद काराकाट संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। इसके पूर्व यह बिक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए मशहूर है। इस क्षेत्र में लगभग 400 राइस मिले हैं। काराकाट संसदीय क्षेत्र में भोजपुर के पीरो, रोहतास के काराकाट, बिक्रमगंज, नोखा, दिनारा व देहरी विधानसभा शामिल थे। लेकिन नए परिसीमन के बाद बिक्रमगंज की जगह काराकाट लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ, जिसमें रोहतास जिले का नोखा, देहरी व काराकाट तथा औरंगाबाद जिले का गोह ओबरा व नबीनगर विधानसभा क्षेत्र शामिल किया गया। इस क्षेत्र से पहले सांसद के रूप में जदयू के महाबली सिंह चुनाव जीते थे। 2014 के चुनाव में एनडीए के घटक रहे रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह को शिकस्त देकर जीत दर्ज की। वे मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी बने थे। जब बिक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र था तो यहाँ का प्रतिनिधित्व तपेश्वर सिंह, उनके पुत्र स्वर्गीय अजीत कुमार सिंह व उनकी पुत्र वधू मीना सिंह भी कर चुकी है। यहाँ मतदाताओं की संख्या 16,26,868 और आबादी 24,89,118 है। बात अगर साक्षरता की करे तो यहाँ की साक्षरता दर 73.33% है। इस क्षेत्र में 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद द्वारा रेल वैगन मरम्मत कारखाना का शिलान्यास किया गया, लेकिन उसे बजटीय प्रावधान में नहीं लाया गया था। हालांकि पिछले 4 वर्षों में इस रेल कारखाने के निर्माण की गति तेज की गई। चावल उत्पादन के लिए कई ऑटोमेटिक राइस प्लांट लगे हैं। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण भी हुआ। हालांकि अकोढ़ी गोला में निजी कंपनी JBL द्वारा मेगा फूड पार्क अभी भी ठप पड़ा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई शुरू हुई है। इस क्षेत्र में धान की खेती बड़े पैमाने पर होने के कारण राइस प्लांट ने उद्योग का रूप ले लिया। पहाड़ पर उत्खनन कार्य बंद होने से लगभग 400 क्रशर प्लांट का लाइसेंस समाप्त कर दी गई। इस मुद्दे को यहाँ के लोग खूब उठाते हैं। काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 2002 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद अस्तित्व में आया। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। 2009 में यहां पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ। यह क्षेत्र रोहतास जिले का हिस्सा है। यह क्षेत्र प्रदेश की राजधानी पटना से करीब 126 किलोमीटर दूर है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से इस क्षेत्र की दूरी 980 किलोमीटर है। इस बार महागठबंधन की ओर से वर्तमान केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी महाबली सिंह चुनावी मैदान में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन यहां से किला फतह कर पाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा के संस्थापक है। पूर्व में यह पार्टी एनडीए की सहयोगी थी, लेकिन पिछले महीने सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों में बात बिगड़ गई और कुशवाहा एनडीए छोड़कर विपक्षी धड़े के महागठबंधन में शामिल हो गए और केंद्र की मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले वे मानव संसाधन मंत्रालय में जूनियर मंत्री थे। कुशवाहा केंद्र में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री का ओहदा संभाल चुके हैं। एनडीए छोड़ने से पहले कुशवाहा ने इशारा कर दिया था कि उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो बीजेपी नीत गठबंधन से अलग हो जाएंगे, जो कि हुआ और वो अभी महागठबंधन में शामिल हो गए। अब 2019 में काराकाट की जनता फिर से किसे अपना सांसद चुनती है ये देखने वाली बात है। ये आपके मत पर निर्भर करता है कि किसे आप फिर से दिल्ली भेजते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक कीजिए। धन्यवाद।